सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा रुख करते हैं। जो कारण बताए गए हैं वह बहुत अच्छे कारण बताए गए हैं कि क्यों हम लोगों को यहां पर स्थायी रूप से मां शारदा की मूर्ति और आरोग्यता के देव धन्वंतरी जी को स्थापित करना पड़ा। कि बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते थे, कई मूर्तियों को यहां पर गोमती नदी में विसर्जित करना पड़ता था। इससे बचने के लिए एक अस्थायी देव विग्रह की आवश्यकता यहां पर महसूस की गई और आज उसका परिणाम है कि विश्वविद्यालय के पास अपने एक धरोहर के रूप में मां शारदा का यह मंदिर मां शारदालय के रूप में और आरोग्यता के देव धन्वंतरी जी की मूर्ति के रूप में आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह प्रदेश ही नहीं देश का एक उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र है केजीएमयू। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता किसी सामान्य नागरिक से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और मैं इस बात को अक्सर देखता हूं कि हम रोग के उपचार की व्यवस्था करते हैं, रोग के कारणों में नहीं जाना चाहते और यही समाज की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है। आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उसके कारण को भी जानें और उसके निवारण के बारे में उचित उपाय भी करें और मुझे लगता है कि इसमें मां शारदा और भगवान धन्वंतरी इन दोनों के कारण और निवारण आप सबके सामने आ चुके हैं और मैं विश्वास करूंगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने उस अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। हर भारतीय इस बात को मानता है जल जीवन है, जल ही जीवन है। जल के बगैर कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है लेकिन एक लंबे समय तक नहीं, एक लंबे अंतराल तक नहीं। लेकिन उस जल की शुद्धता के बारे में या उस जल के संचयन के बारे में जो एक जागरूकता हमारे मन में होनी चाहिए उसका अभाव आज भी देखने को मिलता है। हम सब कहीं ना कहीं किसी घर में रहते हैं, प्रसाद का पानी होता है, पानी बह करके निकल जाता है। हम किसी सार्वजनिक का घड़ी में अपने घर में भी देखते हैं, टोटी खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, हम लोग बातचीत करके दूसरे कार्य में मग्न रहते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर हम जाते हैं, पानी की टोटी खोलते हैं, पानी पीते हैं, पीने के बाद खोला छोड़ देते हैं। हमने जल की कीमत को समझने का प्रयास नहीं किया और उसकी कीमत धीरे धीरे समाज को चुकानी पड़ रही है। एक बहुत सारे क्षेत्रों में जल का भीषण संकट, दूसरा जल जनित बीमारियों से होने वाली मौतें, एक बड़ा दायरा उसके चपेट में आ रहा है और मुझे लगता है कि जो उपाय एक मंदिर ये आस्था का प्रतीक तो होगा ही लेकिन यह जल की निर्मलता का भी प्रतीक होगा कि नहीं, हमने मूर्ति और मूर्ति के साथ लगने वाले केमिकल को, मूर्ति के साथ निकलने वाले अन्य जो चीजें ऐसी होती जो नदी के जल को प्रदूषित करती, हमने उससे रोकने के लिए एक अभिनव प्रयास केजीएमयू ने किया है और वह केजीएमयू का यह प्रयास दिखने के लिए छोटा होगा
स्वाभाविक रूप से जैसी दृष्टि होगी व्यक्ति उसके अनुसार उसका अवलोकन करेगा, उसकी विवेचना करेगा। एक सामान्य रूप से केजीएमयू ने मां शारदा के मंदिर और मूर्ति की स्थापना की, आरोग्यता के देवता की स्थापना की, यह आस्था का विषय भी हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शुद्धि का विषय भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि हम अपनी नदियों के प्रति, जल संस्कृति के प्रति जागरूक हों, अन्यों को इसके प्रति जागृत करें, और ये शुरुआत जल की निर्मलता के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग वर्तमान में गंगा जी की निर्मलता के लिए कार्य कर रहे हैं और पिछले 2.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इस पे काफी सफलता प्राप्त की। मैं इस वर्ष बरसात के समय वाराणसी में था, बाढ़ आई भी थी, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम के साथ में मैं था। मैंने एनडीआरएफ की टीम से पूछा, मैंने कहा भाई क्या आपको लगता है कि पिछले 3 वर्षों में 5 वर्षों में हम लोगों ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से कुछ कार्य किया है? उसने कहा हाँ सब किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अपने व्यवहारिक जानकारी मुझे दीजिए, मुझे ये बात नहीं चाहिए कि जल में बीओडी की मात्रा क्या है या फिर आप वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मुझे बताने लग जाएंगे, समझाने लग जाएंगे। मैंने कहा मैं ये नहीं जानना चाहता, वो मुझे जहां से जानकारी लेनी हो मैं वहां से ले लूंगा, लेकिन आपका अनुभव क्या बोलता है? उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो बहुत अच्छे अनुभव। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा हमारा अनुभव ये है कि हम लोग नियमित प्रैक्टिस करते हैं गंगा जी में, हमारे जो नए रिक्रूट आते हैं, नई टीम आती है, उनमें गंगा जी में उनको नियमित प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम आज से 3 वर्ष पहले जब गंगा जी में प्रैक्टिस करते थे तो गंगा इतनी प्रदूषित थी कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल चकते उग जाते थे, पूरी बॉडी इसकी डिजीज से हमारी परेशान हो जाती थी, हम लोगों को उपचार में 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। और आज 3 वर्ष के बाद परिणाम यह आया है कि आज हम गंगा जी में जो भी नया रिक्रूट आता है वह गंगा में जब प्रैक्टिस करता है, कई कई दिनों तक करता है, आज स्किन डिजीज इससे नहीं हो रहे हैं, और यह एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा प्रयागराज कुंभ उसका परिणाम था। लोगों ने कहा प्रयागराज कुंभ को इतना अच्छा कैसे कर दिया? हमने कहा गंगा मैया की कृपा थी। लोगों ने कहा कैसे? हमने कभी देखे प्रयागराज कुंभ में जब महाकुंभ था तब कुल 12 करोड़ लोग आए थे, हमने कुंभ का आयोजन किया, यह संख्या लगभग 25 करोड़ पहुंच गई। गंगा की अविरलता निर्मलता देखते हुए बनती थी, जो कोई आता था वह डुबकी जरूर लगाता था, लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ा। खासतौर पर नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में प्रतिदिन गंगा जी में 140 MLD सीवर गिरता था, यानी 140 MLD का मतलब 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। आप अनुमान कर सकते हैं कि उसके बाद कोई गंगा कोई नदी जीवित बचेगी? जितने ट्रेनरीज थे, चमड़ा उद्योग था, उसका जितना एफ्लुएंट था वह भी जाजमऊ कानपुर में गंगा जी में गिरता था, और उसके बाद गंगा जी का पानी इतना प्रदूषित ही नहीं, इतना जहरीला हो गया था कि उसके नीचे कोई जलीय जीव बचा ही नहीं था। ये 3 वर्ष पहले की घटना है। हम लोगों ने विगत वर्ष के प्रारंभ में कानपुर का जो 140 MLD का सीवर गंगा जी में सीसामऊ नाले के माध्यम से गिरता था, अंग्रेजों ने बनाया था वो नाला,
और कितनी चालाकी के साथ उन्होंने उसको सीधे गंगा जी में डाल दिया। हम लोगों ने उसको बंद किया, उसको टेप करके हम लोगों ने एक एसटीपी में डाला, डाइवर्ट कर दिया, और हमने कहा कि इसका जो पानी भी निकलेगा वह भी गंगा जी में नहीं गिरेगा। उसको सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए किसी को लेना हो ले ले, लेकिन एक गंगा जी में नहीं गिरेगा। जाजमहों की टेंडीज को हमने कह दिया भाई जितना आपने एनओसी लिया है उतना ही आपके उद्योग का एपलुएंट नदी में सीटीपी में जाएगा और बाकी को आपको बंद करना पड़ेगा। आप अपने यहां टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करिए। आज आप जाएंगे जाजमहों पे भी बड़ी बड़ी मछलियां आ गई हैं, हर जलीय जीव फिर से वहां देखने को मिल रहे हैं, डॉल्फिन भी देखने को मिल रहा है। और आज गंगा जी निर्मल हो चुकी है, हम लोग केवल स्नान ही नहीं कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं उस पानी का। और मुझे लगता है ये हर भारतवासी का दायित्व तो बनता है कि जहां भी हमारी नदी संस्कृति है हम उसको जीवित रखने के लिए, उसकी निर्मलता के लिए अपने स्तर पर कार्य करें। और लखनऊ वासियों का ज्यादा दायित्व तो बनता है क्योंकि गोमती नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई कर रहा है तो लखनऊ के माध्यम से हो रही है। कैसे हो सकता है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है लेकिन हम भी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, कर सकते हैं। कोई गंदगी ना फेंके, घर से ला करके लोग कचरा लेकर के आते हैं सीधे नदी में फेंकते हैं, पॉलिथीन में बंद करके लेकर आते हैं नदी में फेंकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कोई पशु मर गया उसको नदी में फेंक देते हैं, कोई चीज होती है उसको भी नदी में फेंकते हैं। जब प्लास्टिक पे सरकार ने रोक लगाई है, प्लास्टिक पे रोक एक केवल एक शौक के लिए नहीं है, एक प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आरोग्यता की दृष्टि से भी एक लंबे समय तक हम अपने पर्यावरण के साथ साथ इस धरती माता की स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकें। तो केजीएमयू में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करते हुए और जल का महत्व यहां पर बताया गया, और बताया गया कि जो गंगा यात्रा हाल में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली जिसका समापन खानपुर में हुआ उससे कितना यहां पर फायदा पहुंचा है और किस तरह से लोग जो हैं गंगा के प्रति जागरूक यहां पर हुए हैं। तो जल संरक्षण के लिए जागरूकता यहां पर फैलाई जाए इसको भी लेकर लोगों से कहीं ना कहीं अपील की गई है और रोग के कारण और निवारण को यहां पर जानने की जरूरत है। तो केजीएमयू से उम्मीद है और निरंतर यहां पर प्रयास हम करते रहेंगे। तो गंगा की निर्मलता के लिए सरकार काम कर रही है और लोगों को भी अपनी तरफ से यहां पर गंगा की निर्मलता के लिए कई कदम यहां पर उठाए जाने चाहिए। तो जल ही जीवन है ये संदेश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दिया गया है। तो जल को संरक्षित करने की जरूरत है, जल संरक्षण के लिए जागरूकता भी यहां पर फैलाई जानी चाहिए, एक दूसरे से यहां पर जल की महत्वता को बतलाना चाहिए और उसके बाद गंगा को लेकर जो यहां पर फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते हुए भी नजर आएंगे।